नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गुना में छात्र संघ डीएसओ द्वारा कलेक्टर से मुलाकात कर छात्रवृत्ति के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है। छात्र संघ डीएसओ की तरफ से छात्रवृत्ति को लेकर कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में एससी एसटी वर्ग के छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल अविलंब शुरू करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि सत्र 19-20 के छात्रों को शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सहायता अभी तक नहीं मिल पाई है, जबकि अभी उनके परीक्षा फॉर्म भी भरे जा चुके हैं ऐसी स्थिति में जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, परीक्षा फॉर्म ना भर पाने के चलते पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। एसटी के छात्रों का अभी तक ऑनलाइन पोर्टल शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते इस बार के छात्र पूरा सत्र बीत जाने पर ना तो छात्रवृत्ति फॉर्म भर पाए हैं और ना ही आवास का फॉर्म भर पाए हैं। ऐसी स्थिति में दूर दराज क्षेत्रों से आए छात्र जो यहाँ किराए का कमरा लेकर पढ़ते हैं, उन्हें मजबूरी में अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव वापस जाना पड़ रहा है। इस दौरान समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का अविलंब भुगतान किए जाने, एसटी वर्ग के छात्रों का ऑनलाइन पोर्टल छात्रवृत्ति और आवास पोर्टल शुरू कराए जाने के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया। आज यहाँ पर हम लोग कलेक्टर सर को एक ज्ञापन देने आए कॉलेज छात्र संगठन डीएसओ की तरफ से। अभी कॉलेज में एक समस्या चल रही है कि जो भी छात्र हैं अभी तक उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि दिसंबर माह तक छात्रवृत्ति आ जाने चाहिए था। हालात है कि छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, जिसमें उनकी एडमिशन फीस जो 6 से लेकर 10 हज़ार तक है उनको उसका भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि ये नियम है कि छात्रवृत्ति आने के बाद छात्र उसमें से निकालकर उसकी एडमिशन फीस जमा करता है, लेकिन वो छात्रवृत्ति आई नहीं और उसको एडमिशन फीस भरना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति न मिलने के कारण पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ गई है, क्योंकि हर छात्र 10 हज़ार रुपये नहीं भर सकता। तो आज हम लोग यहाँ पर मांग करने के लिए आए कि जो तमाम छात्रों को जो छात्रवृत्ति नहीं डाली गई है उसको तुरंत डाला जाए, साथ साथ एसटी वर्ग के जो छात्र हैं उनका भी ऑनलाइन पोर्टल शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण उनका ना तो आवास योजना का फॉर्म भरा हो रहा और ना ही छात्रवृत्ति का हो रहा है।